लंपी रोग से हमारे गगरेट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पशुओं का, और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इस रोग की रोकथाम के लिए एक कड़ी नीति जल्दी से जल्दी बनाई जाए। साथ ही साथ जो पशुपालक प्रभावित हुए हैं, जिनके पशु मरे हैं इस बीमारी से, उनके लिए जो मुआवजे की एक नीति तैयार की गई है उसके ऊपर भी जल्दी से अमल किया जाए, क्योंकि गगरेट क्षेत्र में अभी तक कोई भी अधिकारी इन प्रभावित परिवारों के पास नहीं गया है, ना ही इन प्रभावित परिवारों से कोई डिटेल ली गई है। सरकार ने कहा था कि एक गऊ का 30,000 या इससे अधिक कोई मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं। और ये बीमारी हमारे इस गगरेट क्षेत्र के लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके खूंटे खाली हो गए हैं, घरों में वो पशु रहे ही नहीं उनके, तो उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या नया सहयोग योगदान रहेगा ताकि वो उनकी जिंदगी अच्छे ढंग से बीत पाए, वो फिर से ये पशुपालन शुरू कर पाए, वह उससे संबंधित अगर कोई सरकार के पास नीति है वो भी सरकार बताए। साथ ही साथ जो बेसहारा पशु हैं हमारे क्षेत्र में, इनमें भी ये बीमारी फैल रही है, क्योंकि बीमारी को तो पता नहीं कि पशुपाल पालतू है या बेसहारा है, तो उनके लिए भी सरकार के पास क्या नीति है वो बताए, और उनकी सेवा के लिए, उनकी बीमारी के इलाज के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसहारा पशु हैं ये बड़े प्रभावित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में बेचारे मर रहे हैं। सरकार को ये चाहिए कि इस जो ये जो वायरस है इससे संबंधित एक एडवाइजरी जारी कर दे, क्योंकि डॉक्टर्स से पूछे तो अनऑफिशियली बताते हैं कि इस बीमारी का कोई सरकारी इसमें दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं प्रैक्टिशनर्स हैं वो तो लाखों रुपया लूट रहे हैं लोगों से, बेमतलब के इंजेक्शन लगा रहे हैं, बेमतलब की दवाइयां। तो अगर कोई दवाई उससे संबंधित है ही नहीं, रोग से संबंधित पशुओं का इलाज हो नहीं सकता, तो ऐसे क्यों जबरदस्ती थोपी जा रही है उनके ऊपर, क्यों उनके पैसे सैकड़ों रुपए ले लिए जाते हैं दवाइयों के या इंजेक्शन के नाम पर, यह भी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। साथ ही साथ देसी इलाज जैसे गिलोय का बता रहे हैं, गिलोय है, नीम है, तुलसी है, तो ये जो चीजें दी जानी चाहिए ये भी लोगों को घर घर जाकर के जागरूकता फैलानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई साहब इन चीजों से इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आप इन चीजों का जैसे गिलोय वगैरह का, तुलसी है, नीम है, और ये जो फिटकड़ी है, फिटकड़ी से जो जख्म है अगर किसी जीव को हुए हैं तो उससे उनको अगर जख्मों को धोए तो फर्क पड़ सकता है। तो लोगों का देखिए पशुधन चला गया, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम चला गया, ऊपर से जो बिना कारण के दवाइयों के ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है वो भी चला गया, उसके बाद नया जीवन है, नए स्त्री से कैसे शुरुआत करें उनको वो भी नहीं पता। तो ये सरकार को चाहिए कि सरकार कड़े से कड़ा कदम और जल्दी से जल्दी उठाए।